हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लाल साग की उन्नत खेती। लाल साग को दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लाल भाजी की खेती, लाल साग, रेड अमरनाथ, इसके अलावा रेड स्पिनच जैसी और लाल चौलाई जैसे नामों से जाना जाता है। तो यह दोस्तों जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, लाल साग की खेती कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह जो फसल है कम लागत वाली फसल है, एकदम जीरो लागत है, कम समय पर बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो लाल साग की खेती करने के लिए सही समय, जलवायु, खेत की तैयारी और जब आप बुआई कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी की बुआई करनी है और बुआई के समय खाद, फर्स्ट खाद केवल एक खाद देने की आवश्यकता है और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की रोग बीमारी का प्रकोप यदि होता है तो इन केस केवल एक स्प्रे शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो लाल साग की खेती की डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है, तो आपको लाल साग की खेती, लाल चौलाई की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं दोस्तों। लाल साग एक प्रकार की साग वर्गीय फसलों में आती है और इसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन ए, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लाल साग को खाया भी जाता है और लाल साग दोस्तों खासकर कम दिनों वाली यह फसल है, कम दिनों वाली फसल है तो बहुत ही कम समय पर आपको एक अच्छी आमदनी दे सकती है। तो लाल साग की वैरायटी, जलवायु, मौसम के साथ साथ एक एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो पर आपको बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी में सो सकती है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सही समय यानी टाइमिंग। तो देखिए, लाल साग की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पैदावार के लिए, बढ़िया कमाई के लिए आप सर्दियों के लिए सितंबर से लेकर दिसंबर महीने पर आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बरसात के लिए जुलाई अगस्त, गर्मियों के लिए फरवरी से मार्च, काफ़ी हिस्सों पर, देश के काफ़ी राज्यों पर मार्च से सितंबर के बीच में भी खूब लाल साग की खेती की जाती है, लेकिन खासकर जैसे हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश पर खासकर दोस्तों सर्दियों के समय पर यानी सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य खूब लाल साग को उगाया जाता है। तो आप लाल साग की खेती सर्दियों में भी कर सकते हैं, जनवरी पर भी कर सकते हैं, फरवरी और गर्मियों के दिनों पर, यदि कहीं सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लाल साग की खेती कर सकते हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु खासकर सर्दियों के दिनों पर प्रमुख रूप से उगाई जाती है और मौसम में ठंडक रहती है तो एक अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। विशेष रूप से लाल चौलाई की खेती के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड प्रमुख राज्यों पर उगाई जाती है और जहाँ पर भी जो टेम्परेचर है, औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो औसत टेम्परेचर रहता है, यह फसल काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। तो सभी राज्यों पर आप लाल साग की खेती कर सकते हैं, क्योंकि खाने में काफ़ी टेस्टी, स्वादिष्ट के साथ साथ दोस्तों इसकी मार्केटिंग डिमांड अच्छी बनी रहती है। भूमि और खेत की तैयारी, तो लाल साग की खेती दोमट भूमि, मध्यम दोमट या फिर बलुई दोमट भूमि या उपजाऊ दोमट भूमि पर अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5-7 तक चल जाती है, लेकिन क्षारीय भूमि पर इसकी खेती आपको नहीं करनी चाहिए, यानी जो अधिक एल्कलाइन सॉइल होती है वहाँ पर आपको लाल साग की खेती नहीं करनी चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्टीवेटर, रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार कराना है, उसके बाद डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा के पाटा लगाकर खेत को समतल कराना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय जो आपको बुआई के समय खाद देना है, बेसल डोज देना है, इसमें ऑर्गेनिक खादों का भी समावेश किया है। एक एकड़ में 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 20 किलोग्राम जिप्सम, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद, 15 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। लाल साग की खेती क्यारी बनाकर आपको फार्मिंग करना है, जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, आपको 20x20 या फिर 20x60 की क्यारी बनाकर, छोटी छोटी क्यारी में बनाकर यदि आप बुआई करेंगे तो अधिकतर
जो है पैदावार वो काफ़ी मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। अधिकतर जैसे हम लाल साग की खेती करते हैं तो बरसात के समय लगभग एक एकड़ में 6-7 ट्राली खाद को एकदम लेयर की तरह मोटी लेयर बनाकर बिछा देते हैं और लाल साग की लाल चौलाई की बुआई करते हैं और अच्छा रेट भी देखने के लिए मिलता है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। तो यदि आप सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं तो 1-2 ट्राली गोबर खाद प्रयोग जरूर करें। लाल साग की खेती के लिए 100 बात की एक बात यह है कि जितनी ज़्यादा गोबर की खाद ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है और काफ़ी कलरफुल पैदावार आपको मिलेगी। तो गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करना है, ध्यान रखिए। उन्नतशील जो किस्में हैं लाल साग लाल चौलाई की, इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इन वैरायटी की पैदावार काफ़ी बढ़िया है तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। यह जो वैरायटी आती है इंडो अमेरिकन की अमरनाथ जो वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। इस किस्म की पैदावार ही बढ़िया है और जो नंबर 2 पर है पूसा किरण को आप लगा सकते हैं, पूसा लाल चौलाई को लगा सकते हैं, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर 2 CO1 और CO2 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, पूसा कीर्ति को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वैरायटी हैं जैसे रेडिकल की लालिमा के नाम से आती है एवं शताब्दी सीड्स की लाल साग के नाम से आती है और क्वालिटी सीड्स की चौलाई लाल साग के नाम से आती है। काफ़ी किस्में हैं दोस्तों, यह सभी की सभी किस्में काफ़ी बढ़िया हैं। बाकी जो आपके एरिया में वेस्ट किस्म हो उसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए 1 एकड़ पर आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 किलोग्राम से लेकर 1.25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लेकिन यह जो सीड्स होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम बालू रेत लेना है और 5 किलोग्राम बालू रेत में 1 किलोग्राम सीड्स को मिला लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ताकि आपको, क्योंकि सीड्स आगे के लिए की बुआई करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कहीं सीड्स ज़्यादा पड़ जाए या कहीं कम सीड्स हो जाए, तो इसके लिए बालू रेत में आप 1 किलोग्राम सीड्स को मिलाकर 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करने से एकदम निश्चित डिस्टेंस पर आपका जो दाना है वो मिट्टी पर गिरता है। तो इस प्रकार आप जो सोइंग है जो बुआई है वो छटका विधि से भी कर सकते हैं, बाकी जो छटका विधि है वो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। इसके अलावा आपको जो दूरी रखनी है वो कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा सही मानी जाती है। तो इस डिस्टेंस को आप अपनाइए। बाकी छटका विधि से एक काम करें कि छोटी छोटी मेड़ बनाकर क्यारी बनाकर उन क्यारियों पर बुआई करें और पैदावार आप काफ़ी अच्छी निकाल सकते हैं। और बुआई करने का तरीका ये है कि मान लीजिए आप 1 एकड़ में लाल साग की खेती कर रहे हैं तो पहले आप 25-30 डेसिमल पर आप पहले बुआई करें, फिर 25-30 डेसिमल पर 7-8 दिन बाद और फिर 25-30 डेसिमल पर, ऐसे 1 एकड़ को आप 3-4 भागों पर बांट बांट कर बुआई करेंगे। एक साथ बुआई करने से दोस्तों हो सकता है कि रेट डाउन हो, तो इसलिए टुकड़ों पर तोड़ तोड़ कर यदि आप बुआई करेंगे तो फिर आप एक जो साइकिल है वो क्रिएट हो जाएगी और जो आप रेट हैं वो अच्छे मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। देखिए बीज उपचार जरूर करें क्योंकि कभी कभी देखा है कि जर्मिनेशन में समस्या आ जाती है। तो बीज उपचार UPL की साफ 3 ग्राम लेना है और बीज उपचार करना है प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को, और इसके बाद थायमोथॉक्सॉम 2 ml आपको लेना है प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना है, यानी एक कीटनाशक है दूसरी फंगीसाइड है, इन दोनों से बीज उपचार आपको करना चाहिए। तो बीज उपचार करने से अंकुरण जमाव और जो गलन की समस्या है वो नहीं आती है। इसके अलावा जो सिंचाई है इरिगेशन है तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमको सिंचाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग पर जमाव अच्छा हो तो हल्की हल्की सिंचाई हमको थोड़ा सा स्टार्टिंग पर ज़रूर करनी पड़ती है 5 से 7 दिनों के अंतराल पर। तो 2-3 सिंचाई पर यह फसल एकदम तैयार हो जाती है। स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं और फ्लैट एरीगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। लाल साग लाल चौलाई पर जो खरपतवार की रोकथाम वीट कंट्रोल, इसके लिए आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना है बल्कि आपको निराई गुड़ाई कराना है। यदि खरपतवार का जमाव होता है फर्स्ट निराई गुड़ाई 12 से 15 दिन, सेकंड निराई गुड़ाई 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो 1-2 निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए यदि खरपतवार का जमाव होता है। देखिए लाल चौलाई पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है,
रोग बीमारी का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी रोग बीमारी फंगस कीट का प्रकोप आ सकता है, हो सकता है। देखिए सर्दियों के दिनों पर ज़्यादा बीमारी नहीं है तो बिना स्प्रे पर ही फसल तैयार हो जाती, लेकिन आप गर्मियों के दिनों पर लाल साग की खेती कर रहे हैं तो हो सकता है ऑफ सीजन पर बीमारी फंगस का प्रकोप आ जाए। तो कौन कौन सा आ सकता है, कौन कौन समस्याएं आ सकती हैं? पाउडरी मिल्ड्यू, वॉल बर्म, सुंडी, एफिडजेसिड, गलन और इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कभी कभी पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली बॉल बर्म या फिर सेमी लूपर्स का प्रकोप भी देखने के लिए खूब मिलता है। तो इसके लिए केवल एक स्प्रिंग करें, कब? जब आपको लगे कि कीट का प्रकोप है, फंगस का प्रकोप है, तब एक स्प्रे, फर्स्ट स्प्रे 15 से 17 दिन के आसपास की फसल होती बुआई से, तो एंट्राकॉल प्रोपिनेप 70% WP फंगीसाइड 40 ग्राम, UPL की लांसर गोल्ड जिसमें एसीफेट और इमीडिया क्लोरपेट का कॉम्बिनेशन है, UPL की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है, वो भी तब जब रोग बीमारी का प्रकोप दिख रहा हो तभी। खाद का जो शेड्यूल है दोस्तों, तो देखिए फर्टिगेशन शेड्यूल, बुआई के समय गोबर की खाद, SSP, जिप्सम का प्रयोग आपको अवश्य करना है। गोबर की खाद के बिना एक अच्छी बढ़वार की कल्पना आप नहीं कर सकते, एक अच्छी पैदावार आप नहीं निकाल सकते हैं। तो गोबर की खाद तो आपको ज़रूर प्रयोग करना है दोस्तों, एक अच्छी पैदावार के लिए ध्यान रखिए। लेकिन एक खाद यदि आप कहीं ना कहीं 15 दिन के आसपास की फसल होती है, तो जो फर्स्ट खाद है जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम 33% वाली, यूरिया खाद 20 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके एक एकड़ जगह पर जड़ों के पास देकर सिंचाई करिए, फ्लैट एरिगेशन से या फिर स्प्रिंकलर से। केवल एक खाद देने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। लेकिन थोड़ा सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं और एकदम बेसल डोज खाद देने के बाद एकदम फसल अच्छी बढ़वा ले रही है, तो आपको फर्स्ट खाद भी नहीं देनी पड़ेगी। आपको तभी इन बातों को फॉलो करना है जब कोई समस्या दिख रही हो, बढ़वा ना हो रही हो, तब इस खाद को 15 दिन के आसपास की फसल में दे सकते हैं, 12 से 15 दिन तक। लाल चौलाई की जो लाइफ साइकिल है, फसल संपूर्ण रूप से दोस्तों 20 से 25 दिन में तो तैयार हो जाती है। यदि वन टाइम पर पूरी तरह फसल को उखाड़ कर आप मार्केटिंग करेंगे तो 30 दिन की इसकी लाइफ साइकिल हुई। लेकिन दोस्तों फसल तैयार होने के बाद 2-3 इंच ऊपर से आप कटाई करेंगे या फिर तोड़ देंगे तो फिर 2-3 बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन वन टाइम वाला सिस्टम ही ज़्यादा सही रहता है। जड़ों वाली जो लाल साग है उसकी बिक्री थोड़ा आसानी रहती है और 30 दिन की टोटल यह लाइफ साइकिल मानी जाती है। लेकिन रेट कम हो तो आप तोड़कर भी बिक्री कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा खाद पानी देंगे तो दोबारा फसल फिर से तैयार हो जाएगी। लेकिन रेट अच्छे हैं तो फिर आप एक काम करें दोस्तों, पूरी तरह से उखाड़िए और मार्केटिंग करके दोबारा फिर से बुआई कर दीजिए। तो इस हिसाब से भी, इस स्ट्रेटजी को अपना कर भी आप लाल साग की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। कम दिन वाली फसल है और गोबर की खाद आप जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा पैदावार आपको इस फसल से मिलने वाली है। एवं लागत के ऊपर बात करें तो जो लागत है 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे तो ही 15,000 रुपये की लागत आएगी। बाकी जो परंपरागत तरीके से जो किसान भाई खेती करते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये ही अधिकतम खर्च आता है एक एकड़ में। तो थोड़ा स्प्रेइंग करेंगे, खाद देंगे, बेसल डोज का प्रयोग करेंगे तो ही आपको लागत लगने वाली है। बाकी नॉर्मल तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं। बाज़ार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो बाज़ार भाव है लाल चौलाई के, बाज़ार भाव 20 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे फार्मर्स को एक औसत जो रेट है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। एक एकड़ में जो पैदावार है दोस्तों 40 से 65 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। अब जैसी भूमि होगी, जैसी वैरायटी का चुनाव किया है आपने, उस हिसाब से जो उत्पादन है वो घट और बढ़ भी सकता है। रही बात मुनाफा की, तो 22 रुपये केजी का भी दोस्तों यदि हमको रेट मिलता है, यानी 2200 रुपये क्विंटल और 55 क्विंटल पैदावार मान लें, तो 121,000 रुपये मुनाफा में से लागत 15,000 घटा देंगे तो 106,000 रुपये के आसपास हमारा जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आमदनी है, वो लगभग लगभग लमसम 100,000 रुपये के आसपास आ गई। यदि दोस्तों लाल चौलाई की जो बाज़ार भाव है 30-35 रुपये केजी के रेट मिलेंगे तो जो आपका प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो लाल चौलाई की खेती, लाल साग की खेती करके आप 20-25 दिन में, एक महीने के आसपास में बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप लाल साग की खेती, लाल चौलाई की फार्मिंग करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप लाल चौलाई की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई और आमदनी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।